हेलो फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट का न्यू कोर्स आने वाला है, ये हम सभी को पता है एंड हम उसका ईगरली वेट कर रहे हैं। तो ये जो न्यू कोर्स है आपको पता है, इसमें सीए इंटर में 8 की जगह 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, सीए फाइनल में भी 8 की जगह 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। बट अब ये न्यू कोर्स एग्जैक्टली कब आएगा तो ये पेंडिंग है, डिसीजन इज पेंडिंग एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एमसीए जब अप्रूवल देगा उसके बाद में आईसीआई ये न्यू कोर्स की एप्लीकेबिलिटी की डेट अनाउंस करेगी कि ये नवंबर 23 एग्जाम से एप्लीकेबल है या मई 24 से एप्लीकेबल है। सो वी डोंट नो येट। तो मेरा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि डेली न्यू कोर्स कब आ रहा है उसको सर्च करने की बजाय आपके पास अभी जो करंट सिलेबस है उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। जैसे कि अगर आप अभी सीए फाउंडेशन अपियर्ड हो तो आपने सीए इंटर ओल्ड कोर्स के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट जो कि कॉमन है, जैसे कि अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, लॉ है, जिसमें ज्यादा चेंजेस होने नहीं वाले हैं। एंड जो स्टूडेंट सीए इंटर के एग्जाम दिए थे अभी एंड फॉर सम रीजन नहीं पास हो पाए या फाइनल में भी, तो वो स्टूडेंट्स ने ओल्ड कोर्स ही चलते रहेगा ये मान के पढ़ाई करना है। और आपको तो वैसे भी मई की 23 के एग्जाम देना है तो वो आप अभी ओल्ड कोर्स के हिसाब से दीजिए। न्यू कोर्स आने वाला है इसीलिए अभी बोधरूप करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मोस्टली आपको न्यू कोर्स में भी आगे पैरेलल अटेम्प्ट्स मिलेंगे और आपको शिफ्ट होने का भी चांस मिलेगा। तो आईसीआई ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से अनाउंस करेगा। सो हैव पेशेंस एंड कीप स्टडिंग एज पर द करंट सिलेबस।